ये हमारे नीलेश भाई पैसा जमा कर रहे हैं और देखो ये गड्डी की गड्डी रखे हुए हैं। ये है भाई 14,000 का फुल रिव्यू है, 10 में से 10 नंबर भैया। ये हमारे नीलेश भाई अभी बिल्कुल मस्त बिना कुछ बोले फुल की दबाते हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर एक नए ब्लॉग पर। तो जनाब आज हम जा रहे हैं सांग भैया के साथ फुल्की खाने। तो भाई अभी एक नया फुल्की वाला खुला है और वो जो है ना काफ़ी प्रकार के उसके पास पानी है। भाई चलो आपको फुल्की खिलाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा क्या है उसका सेटअप और कहाँ लगाता है ठेला, ठीक है। देखो चाचा की नई बुलेट आ गई है भाई। अरे भाई हाथ दे आजकल लेकिन समझ जाते हैं सब इन लोगों के हाथ दिखाने का। मालाबार क्या है? मालाबार का शोरूम। कहाँ है मालाबार? ये कहाँ का मालाबार है? क्या है? सोना चांदी। भाई ये देखो जबलपुर बहुत डेवलपिंग चल रहा है भाई। भाई कोई भी आपको पूछे ना जबलपुर के हैं आप और बोले क्या चल रहा है तो आप बता रहे डेवलपमेंट चल रहा है। तो दोस्तों याद रखें जबलपुर क्या चल रहा है? डेवलपमेंट। फ्लाईओवर बन रहा है, मेट्रो आने वाली है, एयरपोर्ट बन रहा है। मतलब जबलपुर में कोई मतलब ऐसा जो अभी बाहर चला गया होगा ना और 4 से 5 साल बाद आएगा ना तो उसको यकीन नहीं होगी वो कहाँ आ गया है। ये है भाई जबलपुर में अभी जो फिलहाल चल रहा है और हम पहुँचे वाले हैं यातायात थाने। और भाई एक चीज़ है, भाई एक चीज़ और है, जैसे कि आप गाड़ी में कभी शहर के अंदर चल रहे हैं ना और आपके साथ अभी कोई पुलिस वाले हैं या पुलिस वाला आपका कोई दोस्त है और आपके साथ चल रहे हैं फिर आपको डर लगता है इसकी पता नहीं चलता आपको डर नहीं लगता बिल्कुल कोई किसी से नहीं डर रहा है बाहर में जाए। ये मैं ही पकड़वाऊंगा अभी ले जाके भैया बोलते हैं लेकिन मेरे से हेलमेट खरीदा है हेलमेट भैया के पास हेलमेट अभी पहन के नहीं आए भाई है ना बोलना मत आपकी हेलमेट नहीं पहने माफ करें इस चीज़ के लिए। जनाब देखिए अभी आ चुके हैं मालवी चौक और ये वाला रोड जाता है एक समदड़िया और ये पीछे बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है यही है समदड़िया मॉल। जबलपुर का सबसे पहला मॉल है और एकदम जबलपुर में सेंटर में और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ और ये प्यारा सा एक मंदिर है हमारे जय श्री राम। तो भाई ये है जबलपुर शहर आप देखें। ये घूमने वाले वीडियो काफ़ी मैंने बताए हैं और आप लोगों को पसंद आते हैं ऐसे मतलब बाइक पर चलते हुए वीडियो बनाना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपको। और ये देखें भाई राजस्थानी पानीपुरी आ गए हैं आप देखिए अभी हम आ चुके हैं राजस्थानी पानीपुरी फुल्की खाने। गजब यार ये भाई कुछ नया है। तो ये है राजस्थानी पानीपुरी भैया की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर देखिए एक जलजीरा, दूसरा लहसुन, तीसरा पुदीना और हाजमा हींग और रेगुलर ये कुल 6 तरह के पानी ये दे रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैंने तो अभी खाया हुआ है और खाने में मेरा पूरा फुल रिव्यू है 10 में से 10 नंबर भैया। ये हमारे नीलेश भाई अभी बिल्कुल मस्त बिना कुछ बोले फुल्की दबाते हुए। तो ये लोकेशन कहाँ पर है आप देख लीजिए। ये हमारे पीछे है यहाँ पे बगुलामुखी मंदिर, ये सामने है अंजुमन स्कूल और ये सरकार हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। यहाँ पे आप आ जाइए और ये जो 6 तरह का अलग अलग पानी है ना उनको बिल्कुल इंजॉय कीजिए। देखिए ये है इनका ठेला राजस्थानी पानीपुरी, जीरा, लहसुन, पुदीना, हाजमा, हींग पानी और रेगुलर पानी यहाँ पे मिलता है जो कि आप लोग जबलपुर में रेगुलर पानी यूज़ करते हो। और साथ में इनके क्या है यहाँ पे देखिए फुल्की, फुल्की में क्या है इन्होंने आलू मिक्स किया हुआ है, फुल्की के साथ आलू मिक्स किया है और इनके पास दही फुल्की मिल जाती है, मीठे मिल जाती है। खा ली है और दोस्तों आपको देखो जो नए नए वाले जैसे फुल्की वाले हैं कोई भी ठेले वाला अपना स्टार्टअप कर रहे हैं ना तो उनको सपोर्ट जरूर करें आप, ठीक है। तो आपको सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि भाई देखो सपोर्ट करोगे ना तो अच्छा रहेगा है ना, लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है भाई, दुकान में ग्राहक आते ना तब अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि खराब है, अच्छा टेस्ट है इनका, ठीक है। फुल्की खा ली थी अब जा रहे हैं क्या थोड़ा सा ना लाइब्रेरी का रेंट पे करना है तो उसके लिए ना पैसे डिपॉजिट कर देते हैं अकाउंट में फिर अंकल को ट्रांसफ़र कर देंगे। भाई ये है सुपरमार्केट जबलपुर का एकदम सीधे वो आकाश बुक के आसपास ही है। भाई ये है सुपरमार्केट मालवी चौक, यहाँ पर आपको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की बुक्स ख़रीदनी है तो वो मिल सकती हैं। ये देखो भाई ऑटो वाले ना और एक अभी ई रिक्शा वाले ना पूरे शहर में ना धमा चौकड़ी मचा के रखी है भाई, भयंकर सारे ई रिक्शा हो गए हैं। ये देखो पूरा सुपर मार्केट कौन सा साहू एजेंसी भाई, यहाँ से आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के बुक्स खरीद सकते हो। अब आकाश और बनाए वाला भी है, आप दोनों जगह देख लें जाकर, जहाँ अच्छा लगा आप वहाँ से खरीदें, हमने कोई प्रमोशन का पैसा बिल्कुल भी नहीं दिया है, ठीक है। ये देखिए इसे जमा करने, ये है पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर लगी हुई है डिपॉजिट मशीन और ये देखो बाइक कितनी सारी खड़ी हुई है। तो भाई चलते हैं
और ये पीछे कहाँ से है? अब खोलते हैं फाटक और अब भाई ये है डिपॉजिट मशीन, ये देखो अपना स्वागत कर रही थी, वेलकम। ये हमारे नीलेश भाई पैसा जमा कर रहे हैं और देखो ये गड्डी की गड्डी रखे हुए हैं। ये है भाई 14,000। तो क्या करना है आपको, बैंकिंग पे क्लिक करो, पासवर्ड डालो, मेरा अकाउंट नंबर दे दूंगा, जमा कर देना जिस तक कर सको आप लोग। पासवर्ड भी दिख गया उसमें। ये एटीएम का मेरे पास रहेगा भाई, अपना पैसा चला गया मशीन में, ये देखो मशीन। अब इसको करो क्लिक कन्फर्म, चले जाइए। खा गई मशीन पूरा पैसा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करोगे तभी आपको और ब्लॉग देखने मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। है नोट रिजेक्ट हो गई, अरे रे सीधी करके डाल दो ना, लॉक ही नहीं देगी। देखिए अभी किसी ने चलो जमा कर दे, गड़बड़ दे दिया किसी ने पता। ये वाला एटीएम ना पंजाब नेशनल सरकारी साला, इतना गर्मी थी भाई, बहुत तेज गर्मी, यहीं पर अगर HDFC की बैंक चले जाते ना वो बर्फ बना देती आपको। जबलपुर के लोग कभी न सुधरेंगे, देखो कितने अच्छे से गाड़ी खड़ी की। वहाँ लग भी आ गई एक और गाड़ी, अब इसको करेंगे पहले अलग, तब वहाँ ही निकलेगी, अब हम इसको रोड में खड़ा कर देंगे, पहले जाके बीच रोड में खड़ा। चलो निकालो, अब ये भाई यहाँ खड़ी हो गई है और हम लोग अपनी गाड़ी निकाल के जा रहे हैं।